शायद आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लैब नीचे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बिटिया को रेप की घटना को अंजाम देकर उसी मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ गया, तो वहीं आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो उसका विरोध के रूप में अपने आप को पूरे शरीर को सीकर से बांध कर और सर पे काली पट्टी बांध कर सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनके उन दरिंदों को पकड़ा नहीं गया तो हम लोग इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके विरोध में हम लोग रोड पे उतरेंगे। आइए मैं सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा है। जब मैं देख रहा हूँ तो स्पेशल था तुरंत कोर्ट का गठन और 15 दिनों के अंदर बलात्कारियों को फांसी। यदि सीसीटीवी कैमरा में कोई बलात्कारी या कोई छेड़खानी करते हुए आता है, कैद होता है, तो उसके तुरंत अविलंब धारा के तहत 15 दिनों के अंदर सजा। और सामूहिक बलात्कार जब भी होता है तो अविलंब 3 महीना के अंदर कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्रायल के साथ अविलंब सजा। और बच्चियों को बच की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे, साथ साथ सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी करेंगे। पूरे वीडियो वायरल होता है तो उसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं। जब मैं देख रहा हूं तो स्पेशल था तुरंत कोर्ट का गठन और 15 दिनों के अंदर बलात्कारियों को फांसी। यदि सीसीटीवी कैमरा में कोई बलात्कारी या कोई छेड़खानी करते हुए आता है, कैद होता है, तो उसके तुरंत अविलंब धारा के तहत 15 दिनों के अंदर सजा। और सामूहिक बलात्कार जब भी होता है तो अविलंब 3 महीना के अंदर कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्रायल के साथ अविलंब सजा। और बच्चियों को बच की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे, साथ साथ सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी करेंगे पूरे बिहार। शायद वो एहसास आपको नहीं हुआ, इसीलिए आज पूरे प्रदेश में हिंदू वाहिनी के गुंडे और पुलिस का गुंडा एक हो चुका है। इसीलिए पूरा बिहार देश के साथ बक्सर की बेटी की बलात्कार, भरुआ में बेटियों का बलात्कार और कल गया में बेटियों का बलात्कार, इसकी चिंता नीतीश कुमार को नहीं है, बीजेपी को, उन्हें सीट शेयरिंग की चिंता है। यहाँ राजद और कांग्रेस को सीट शेयरिंग की चिंता है। इससे बड़ा संवेदनहीन पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर रहे ये लोग दलित पॉलिटिक्स, बेटी को भी दलितों में और जातियों में परिवर्तन कर देना, किसी जात में बदल देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। बेटी बेटी होती है, वो कोई जात नहीं होता। बलात्कारी पप्पू यादव का परिवार हो या बेटा, छेड़खानी करने वाला पप्पू यादव का परिवार हो या बच्चा, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी मिलनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज बेटी के सवाल पर समझौता नहीं हो सकता। वह उत्तर प्रदेश की बच्ची हो, लेकिन यह स्वीकार करना चाहिए भारत को, बलात्कार और हिंसा के केस कमजोरों पर, वंचितों पर और दलितों की परिवार पर ज्यादा बढ़े हैं। इसकी संख्या 90%। यह स्वीकार ये भारत सरकार के एनसीआर के क्राइम रिपोर्ट में जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं ठीक से हो पाई, नहीं लगता है कि राजा वहां
पर मीडिया पर इतना बड़ा हमला किया गया, मीडिया को रोका गया, मीडिया पर इतना बड़ा जुल्म किया गया। निर्भया की बलात्कार याद नहीं है क्या? दुनिया में इससे बड़ा जघन्य अपराध बिना माँ बाप के और बिना परिवार के जला देना, बिना पोस्टमार्टम के और लोकतंत्र की पूरी मर्यादा, और जिस तरीके से मीडिया को पीटा गया, मीडिया को धमकाया गया, मीडिया को कुएं में जाने से रोका गया, चारों लोकतंत्र की चारों व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, डरी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराई जाए हर परिस्थितियों में। कांग्रेस के लिए क्या कहेगा, वो राजस्थान क्यों नहीं जा रही है? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप बार बार आज तक वाले पूछते हो कार्रवाई हुई है, जगन ये सवाल लोकतंत्र को किया बार दबाने की है, संविधान के लिए खतरा बन गया। 3 बलात्कार हुए हैं एक सप्ताह में, और ये उस परिवार को धमकाया गया, डीएम का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान में ये नहीं हुआ, राजस्थान में कार्रवाई हुई और होगी, बिहार में कब कार्रवाई होगी? भगवा वाला पे ये विधवा पर जो हुआ, 2.5 साल की बच्ची पर, गया वाले पर, सवाल यह है और एकदम कार्रवाई होगी हर परिस्थितियों में। और थोड़ा हाथ फैला दे, और थोड़ा फैलाइए। और थोड़ा हाथ फैला दे, और थोड़ा फैलाइए। चलिए।